वर्ल्ड डिजाइनर फोरम फतेहाबाद रोड के जलसा रिसोर्ट में गुरुवार की रात नेशनल डिजाइनर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस अवार्ड में सेरेमनी में देश भर से आई मॉडल्स ने रैंप पर डिजाइनर परिधानों में कैटवॉक की। वर्ल्ड डिजाइनर फोरम फतेहाबाद रोड के जलसा रिसोर्ट में गुरुवार की रात नेशनल डिजाइनर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस अवार्ड सेरेमनी में देश भर से आई मॉडल्स ने रैंप पर डिजाइनर परिधानों में कैटवॉक की। नेशनल डिजाइनर अवार्ड सेरेमनी का शुभारंभ केंद्रीय विधि एवं कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान उन्होंने अवार्ड सेरेमनी आयोजकों को शुभकामनाएं दी। डिजाइनर काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो ऑल इंडिया डिजाइनर अवार्ड 2022 का पांचवा एडिशन का आयोजन यहाँ पर आगरा में हो रहा है, अंकुश जी का, उनकी टीम का, सुशील जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरे देश के बेस्ट डिजाइनर्स को, मॉडल्स को यहाँ पर उनकी उपस्थिति से हमने देखा कि हिंदुस्तान के लगभग हर राज्य का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हो रहा है और भारत में विभिन्नता में एकता है, इसलिए हमारे यहाँ स्कोप बहुत है। हमारे यहाँ तमिलनाडु की साड़ियाँ अलग प्रकार की हैं, पहनावा अलग है, तो आंध्र की, कर्नाटक की, केरला की, असम की, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान की, तो हम वेस्टर्न भी पहनते हैं, हम परंपरागत भी पहनते हैं, हम एंटीक भी पहनते हैं। हमारे यहाँ धार्मिक आयोजनों की ड्रेसेस अलग है, हमारे यहाँ हर दिन के कलर अलग हैं। अवार्ड सेरेमनी में शामिल वर्ल्ड डिजाइनर फोरम के फाउंडर अंकुश अनामी ने बताया कि ताजनगरी में अवार्ड सेरेमनी का पांचवा संस्करण शो आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से 250 से अधिक ड्रेस डिजाइनर ने भाग लिया। देखिए, नेशनल डिजाइनर अवार्ड बेसिकली जो है वो फैशन डिजाइनर के प्रचार के लिए आयोजित किया जाता है और अब की बात उत्तर प्रदेश और आगरा के अंदर पहला पांचवा संस्करण जो है वो यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें पूरे भारत से 200 से ज़्यादा फैशन डिजाइनर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। कारण ये है कि आज की डेट में शायद फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री युवाओं के लिए बहुत मुश्किल होती जा रही है। उनको ये समझना कि फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री के बाद में उनको करना क्या है, वो एक बुटीक्स और एक डिजाइनिंग के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो नेशनल डिजाइनर अवार्ड एक सबसे बड़ा मंच है, देश का सबसे बड़ा अवार्ड है। अवार्ड सेरेमनी में कलाकारों ने मंच पर रंगारंग प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।